अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतर उस्मान। यूट्यूब चैनल लीला जांबाज फेसबुक पे लीला टाउन के एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी नासर लीला तहसील पिंड दादाहाँ ज़िला जेहलम उनकी हवेली में, और यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया की तरफ से, और अभी लोगों का चेकअप किया जा रहा है। मुख्तलिफ यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं, डॉक्टर तीन स्पेशलिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक स्किन स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट। आइए चलते हैं, हम डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं और यहाँ पे जो मौजूद हैं मरीज उनसे भी बात करते हैं। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले, हाँ जी, ये देखिए जी, पोस्टर लगा हुआ है अलफला फाउंडेशन, ये इनकी शाख है सिलसिला वैसे नक्शबंदी की उनकी तरफ से, और ये सब एक भाई बैठे हैं, ये पर्चियाँ काट रहे हैं मुख्तलिफ मरीजों की। खैर भाई, आपके जिम्मे है क्या? हमारी जिम्मे से ड्यूटी लगी हुई है कि जो हैं, जो यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं उनकी नंबरिंग करना, उनको जो है प्रॉपरली चेक करवाना, और डॉक्टर का बताना जो भी उनको प्रॉब्लम है वो उसके मुताबिक हम पर्चियाँ काट रहे हैं और डॉक्टर साहबान को चेक कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन दे रहे हैं सबको। और औरतों का निज़ाम अलग बनाया गया है, मर्दों का अलग बनाया गया? औरतों के लिए हमारे पास जो है गायनीज की डॉक्टर भी आई हुई हैं, उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट भी आई हुई हैं, वो गायनीज भी देखती हैं और स्किन स्पेशलिस्ट भी देखते हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और सबको यहाँ पर फ्री जो हो रहा है, फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है, ये सब कुछ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की तरफ से है, और लोग इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएँ और यहाँ पर आज नासर लीला साहब के दायरे पर तशरीफ़ लाएँ और मेडिसिन यहाँ से लें। यहाँ पे काफ़ी मरीज बैठे हुए हैं जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और ये डॉक्टर साहब भी बैठे हैं चेकअप कर रहे हैं। उनके बाद अलावा सिलसिला वैसे नक्शबंदिया के रहनुमा भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे मौजूद डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका भी टाइम कीमती है, दो मिनट आपके चाहिए। यहाँ पे आप मेडिकल कैंप लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है, इसकी क्या वजह है, और ये इसके क्या तरीक़ाकार क्या है सारा? और सिर्फ एक वजह है, और वो है अल्लाह की रज़ा का हुसूल, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और हमारे शेख सिलसिला ने, हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने भी हमें ये हमेशा यही बताया है कि लोगों की खिदमत करनी है, और हम ज़ाहिर बिंग डॉक्टर भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम लोगों की खिदमत करें, और हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हम रिमोट एरियाज़ में जाएँ जहाँ पे जो है ना वो मेडिकल की सहूलियात उस तरह से अवेलेबल नहीं है, और तहसील पिंड दादन खान जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेहलम की तकरीबन सबसे रिमोट तहसील ही कह सकते हैं आप इसको। तो हमने जो पहला कैंप किया था अलफला फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट जेहलम में, वो भी हमने पिंड दादन खान में ही किया था, और आज हमको 8-10 माह के बाद यहाँ पर वापस आए हैं, तो इस दफ़ा भी हम तहसील पिंड दादन खान में ही हैं। अच्छा, यहाँ मेडिसिन भी पड़ी है, ये मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है जी? हम हर मरीज़ को जो है वो कोशिश करते हैं कि उसकी मुकम्मल मेडिसिन जो है वो अपने पास से प्रोवाइड कर सकें, और इसके लिए जो है ना वो हम अल्लाह के हुक्म और करम से ख़ुद से ही मेडिसिन अरेंज करते हैं, और कोशिश ये होती है कि तमाम वैरायटी ऑफ मेडिसिन अरेंज कर ली जाए ताकि मरीज़ों को हमारे यहाँ बैठने का, चेक करने का कोई फ़ायदा भी हो सके, और जो मेडिसिन अगर हमारे पास खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेडिसिन, कोई स्पेसिफिक ऐसी डिजीज़ होती है जिसकी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो फिर हम उनको लिख के दे देते हैं। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हम एक दो मरीज़ों से भी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा काउंटर भी मौजूद है जहाँ पे लोगों को बाद दफ़ा मेडिकली प्रॉब्लम नहीं होता, उनको कुछ रूहानी प्रॉब्लम होते हैं, उसका भी जो है हमारे पास एक काउंटर मौजूद है, वो भी हम लोगों के, ये हाजी साहब हमारे बैठे हैं, जिक्र खफी कल्बी भी बताएंगे, और जो रूहानी मसाइल हैं वो भी यहाँ पे हल किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, उस दिन अनाउंसमेंट वाले दिन भी आपकी हमने की थी, अभी कुछ बयान फरमाए ये मेडिकल कैंप के बारे में, आपके जो काउंटर है इसके बारे में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेडिकल कैंप में हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, स्किन स्पेशलिस्ट भी है, डेंटल सर्जन भी हैं, और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, तो वो तो मेडिकल चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिस बेंच पर मुझे बिठाया गया है, हमारी कोशिश ये होती है कि हर आने वाले के दिल के ऊपर ख्याल करके, ताकि उसका दिल जो है उसको मुनव्वर करने की कोशिश की जाए। असल बात यह है, रूहानी बीमारियाँ भी होती हैं, उनमें एक बारी यह है कि हमारा रुझान ही दीन की तरफ नहीं है, दिल का डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि उनके जो है ना दिल की सिमत को भी दुरुस्त करें हज़रत शेख अल मुकर्रम के हुक्म के मुताबिक, और फिर हम उन्हें पम्फलेट भी देते हैं ताकि वो पढ़ें, ताकि उन्हें पता चले कि दीन के बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी तरफ से ये आप ये समझें कि इसमें यहाँ पर हम उसको रूहानी ट्रीटमेंट भी करते हैं। धन्यवाद नाज़रीन, अभी चलते हैं एक दो मरीज़ को गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई वक्त मरीज़ बैठे हैं तो चेक कर लेते हैं कि वो उनको कैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है।
यहाँ पे मौजूद हैं चंद मरीज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्यों। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठीक है। अच्छा तुम इधर आए हो चेकअप करवाने? आए हो चेकअप करवाने। कैसा महसूस हो रहा, कैसे थोड़े ना बेहेव कर रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब बैठे नंदोल चेक कर रहे हैं, जिन्हें बारी बारी उन्होंने चेक कराने दवाई दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तुम भी चेकअप करवाए हो? अच्छा कैसा माहौल बना के रहता है? बड़ा अच्छा जी, क्या आज बात है जी, बड़ा सुंदर। अच्छा नाजरीन, अभी हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं, नुमान बशीर मेरे साथ मौजूद हैं, अतर उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।